जय श्री कृष्णा। अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है शिवानी मुंद्रा और मैं MGMC SMIT की स्टूडेंट हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो आप सभी को ढेर सारी बधाई और हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाती है, कितनी धूमधाम तरीके से मनाई जाती है। क्योंकि हम मारवाड़ी हैं और हमारे कुल देवता होते हैं श्याम बाबा, जो है कृष्ण भगवान। उनके बहुत सारे रूप होते हैं। उनके बहुत सारे रूप में से एक रूप उनका लड्डू गोपाल है, कृष्ण जी का है। तो बचपन से लेके जवानी तक आज के दिन में कृष्ण भगवान कितनी रासलीला रचे हैं और उनका जन्माष्टमी किस तरह से हम धूमधाम तरीके से मनाते हैं, आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं वही शेयर करूंगी। कृपया करके ये वीडियो देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो जन्माष्टमी किस रूप से मनाई जाती है, मैं चाहूंगी कि विस्तार रूप से हमारे जो पंडित जी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। पंडित जी के पास में चलती हूँ। हमारे पंडित जी हैं, तो हमारे पंडित जी हैं प्रेम शास्त्री पंडित जी, वो आपको आज बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाती है। पंडित जी, सबसे पहले तो सबको जय श्री कृष्णा। श्लोक हम बोल रहे हैं, परारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् भटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसास्मरामि। तो जन्माष्टमी के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। भगवान विष्णु का पूर्ण रूप है भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण पहले तो द्वापर में त्रेता युग में राम बन के आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए। तो जन्माष्टमी ये भगवान जो है इनका जो पूर्ण अवतार है वो जन्माष्टमी में आता है। ठीक है, अब जन्माष्टमी में भगवान का जन्म भाद मास के पित पक्ष के अष्टमी तिथि बुधवार के दिन पे हुआ था। उसमें अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। इनके माता पिता कारागार में बंदी ग्रह थे। इसके बाद भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उनके हथकड़ी वगैरह खुल गई और फिर भगवान को टोकरी में उठा करके वसुदेव जी लेके गए वृंदावन लेके गए। तो वहाँ लेके गए जमुना को पार करते हुए और वहाँ पे भगवान को वहीं पे विराजमान कर दिए, फिर अपने पास चले आए। ये भगवान का जन्म हो गया। अब भगवान के जन्म के बाद नंदोत्सव कैसे करते हैं, नंद के घर उत्सव कैसे हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। जब यशोदा जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी रख दिए और जब उन देखें कि हमारे सामने कन्हैया हुआ है तो सबको पता चला और बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव जो है भगवान का मनाया गया। तो वहाँ पे अब जन्मोत्सव किस तरह से मनाते हैं, जिस समय भगवान का जन्म होता है तो भगवान को सबसे पहले भोग क्या लगता है, भगवान को मिश्री मेवा माखन दूध आदि का भोग लगाते हैं। यहाँ तक उसके बाद भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। 56 प्रकार के भोग में फल मिठाई मेवा पूड़ी दूध आदि जो भी पदार्थ भगवान को रहता है वो उनको लगाया जाता है। जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है सुबह से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो या बच्चे हो, सभी लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद जो है शाम को भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पे सारे स्त्री पुरुष बच्चे मिल करके भगवान का कीर्तन करते हैं। कीर्तन होने के बाद जब भगवान के जन्म का समय आता है अर्धरात्रि में जब भगवान का जन्म का समय आता है उस समय हम लोग क्या करते हैं, भगवान एक खीरे में भगवान काट के भगवान को डाल देते हैं। डाल देने के बाद जब भगवान के प्राकट्य का समय आता है उस खीरे से हम लोग भगवान को निकालते हैं। निकालने के बाद एक थाली में उनको रखा जाता है। थाली में रखने के बाद उन भगवान का पंचामृत स्नान होता है, दूध से स्नान होता है। स्नान होने के बाद भगवान का जो अभिषेक होता है, अभिषेक होने के बाद उनको वस्त्र पहनाया जाता है और वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को कुमकुम चंदन आदि से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद फिर भगवान की आरती होती है और आरती होने के बाद भगवान को उनके स्थान पे विराजमान कर दिया जाता है। फिर जो है अपने यहाँ भगवान का जन्म होने के बाद जब भगवान को विराजमान कर दिया दूसरे दिन जो है नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदोत्सव में जो है बधाइयाँ बढ़ती हैं, लोग खुशी से नाचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं।
और एक दूसरे के गले मिलते हैं और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। विशेषकर जो है मथुरा और वृंदावन में यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आनंद अब हमारे सनातन धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए पूजा की जाती है कि भगवान को हम लोग परब्रह्म मानते हैं, उनको अपने घर में लाते हैं। लाने के बाद जैसे एक बच्चे की सेवा होती है, उसी तरह हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सेवा क्या होती है? सेवा भाव से होती है, इसलिए उनमें बालपन रहता है। तो बालक जैसे हम लोग उनको रात को उठा सुला देते हैं, उसके बाद उनको उठाते हैं, उठाने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र पहनाने के बाद उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद सुबह जैसे बालक को भूख लगती है, जैसे पहले वो दूध पीता है, तो हम लोग उसको भक्ति भाव से भगवान के सामने लड्डू गोपाल को ले जाके दूध का भोग लगाते हैं। ये तो बाल भोग में हो गया। उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग उनको दाल चावल रोटी सब्जी जो भी घर में बनता है वो अन्न भोग लगाते हैं। फिर शाम को फिर जो है हम लोग बाल भोग लगाते हैं और रात को फिर लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाते हैं। और इसके बाद ऐसे बच्चे को सुलाया जाता है, उसके बाद उनको शयन कक्ष में ले जाते हैं, उनकी चारपाई होती है, वहाँ उनको सुला दिया जाता है और रात भर वो विराजमान आराम से वहीं पे सोते हैं। उनकी अपने सनातन धर्म में लड्डू गोपाल को पूर्ण रूप से ब्रह्म मानते हैं, इसलिए जैसे हम लोगों को हर मौसम में सर्दी गर्मी और बरसात में जो महसूस करते हैं, जब सर्दी का दिन आता है तो हम लोग लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाते हैं और कंबल ओढ़ाते हैं। जब जो गर्मी आती है तो हम लोग भगवान लड्डू गोपाल के यहाँ पंखा लगा देते हैं, और जब बरसात का दिन आता है तो उनको मच्छर आदि ना काटे, उसके लिए हम लोग उनको शयन करा के मच्छरदानी आदि लगा देते हैं। और जब इस तरह से हम लोग जन्माष्टमी और नंदोत्सव मनाते हैं, हमारे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद है। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सो मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा पारंपरिक रूप तरीके से हम किस तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आज के दिन मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जितना हो सके कान्हा जी को, कृष्ण भगवान को लाड प्यार दें और बहुत ही उत्साह से आज का दिन मनाएं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कृष्ण भगवान।